सिर्फ आयुर्वेदा में एंड चीन के हर्बल साइंस में सालों से यूज किया जा रहा है। यहाँ पे हमने जो डीएक्सएन कॉर्डिसेप हमारा है, यहाँ पे हमने प्रीमियम कॉर्डिसेप एक्सट्रैक्ट यूज किया है। ये आपको टैबलेट फॉर्म में और कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो कॉर्डिसेप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं हम कि ये कहाँ पाया जाता है। हिमालय में 10,000 से 15,000 फीट के ऊंचाई पे कॉर्डिसेप हमें मिलता है। स्पेशली तिब्बत नेपाल से हमें ये ज्यादा पाया गया है। इसके सीजन जो होते हैं वो लेट स्प्रिंग या समर, अर्ली समर में हमें ये हार्वेस्ट किए जाते हैं जो हमारा कॉर्डिसेप है। इससे हिमालय का सोना मीन्स हिमालय गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये गोल्ड के भाव में बिकता है, इतना महंगा है कॉर्डिसेप। और ये बहुत रेयर मिलता है, इसकी वजह से इसका कॉस्ट भी उतना ही ज्यादा है, इसीलिए उसे गोल्ड से कंपेयर किया गया है। एंशियंट हिस्ट्री जाने जाए तो जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेदा में और चीन में बहुत सालों से इसे ऑलरेडी यूज किया जा रहा है। ये सबसे महंगी फंगस है, इसीलिए इसे गोल्डन फंगस के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने ये जनवरी 2023 का एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, तो उसमें एक बहुत सुंदर आर्टिकल उन्होंने शेयर किया था जो पेपर था। तो वो था कि चाइनीज एथलीट्स से रिलेटेड, जो जैसे यहाँ पे मॉडर्न रिवेलेंस पॉइंट में बताया गया है कि कॉर्डिसेप और एनर्जी का, कॉर्डिसेप का जो रिलेशन है वो एनर्जी के साथ है। मीन्स ये आपके एनर्जी को, स्टेमिना को बढ़ाता है। 1993 से पहले हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी कॉर्डिसेप के बारे में, या उसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम थी। लेकिन 1993 का जो ओलंपिक्स था उसमें जो चाइनीज वुमेन्स थी, एथलीट्स थी, तो उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। वैसे भी तियानजिन में भी मैराथन जो हुआ था वहां पे भी चाइनीज एथलीट्स ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। और स्टुटगार्ट जर्मनी में भी कुछ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, तो वहां पे भी एक चाइनीज वुमन ने 6 रिकॉर्ड तोड़े थे 7 दिनों में एंड 3 गोल्ड मेडल जीते थे। तो सब लोगों को ना ये थोड़ा सा डाउटफुल लगा, कि सबको लगा कि इन लोगों ने, चाइनीज एथलीट्स ने शायद डोपिंग की है या फिर कोई ड्रग्स लिए हैं। तो इसके लिए उनपे इंक्वायरी हुई थी, तो उनके टेस्ट भी, ब्लड टेस्ट भी किए गए थे, लेकिन उनके ब्लड में ऐसा कुछ पाया नहीं गया था कि ड्रग उन्होंने लिए है। तो जब कोच से बात हुई, लोगों से बात हुई, तब पता चला कि चाइना में उन्होंने कहा कि हम हमारे एथलीट्स को प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट पे रखते हैं और हमारा जो सीक्रेट एक्सिलर है उस पे हम उन्हें रखते हैं। तो वो रिविल नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने उनका जो सीक्रेट एक्सिलर है उसका नाम बताया, वो था कॉर्डिसेप। तो वो उनके एथलीट्स को, चाइनीज जो लोग थे वो उनके एथलीट्स को हमारे वेजिटेरियन, प्रॉपर वेजिटेरियन फूड के साथ रेगुलरली कॉर्डिसेप कंज्यूम करने के लिए देते थे, इसीलिए उनका स्टेमिना इतना ज्यादा बढ़ता है। अभी भी चाइना में एथलीट्स को कंपलसरी कॉर्डिसेप का इंटेक किया जाता है, कॉर्डिसेप वो कंज्यूम करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कॉर्डिसेप स्टेमिना और एनर्जी बढ़ाने में कितना हेल्पफुल है। तो सिर्फ एनर्जी एंड स्टेमिना की ही बात नहीं है, तो दूसरे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स कॉर्डिसेप के बताए गए हैं, जैसे कि वो आपके हार्ट के वेलनेस को अच्छा रखता है, हार्ट का स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी हेल्पफुल है। इसे हम हार्ट का कंपेनियन बोल के पहचानते हैं। द ब्रीदिंग के जो प्रॉब्लम होते हैं, जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, अस्थमा हो या फिर रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी को ज्यादा डर लग रहा है, काम से थकान महसूस हो रही है, या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, पाल्पिटेशन ज्यादा हो रहे हैं, तो उन लोगों में भी आप कॉर्डिसेप का बहुत अच्छा इफेक्ट देखेंगे। किडनी का फ्रेंड बोलते हैं कॉर्डिसेप को। जैसे हमारा आजीजल, जैसे हमारा गैनोडोमा मशरूम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, सेम कॉर्डिसेप भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और आपकी किडनी की हेल्थ को अच्छा रखने का काम करता है। दूसरा इसका जो बेनिफिट बताया गया है वो है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जिस भी प्रोडक्ट में पाए जाते हैं वो एंटी एजिंग का काम करता है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको डैमेज करते हैं, और अगर अगर वो हमारे सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो हमारी एजिंग की जो प्रोसेस होती है वो फास्ट होती है। और एंटीऑक्सीडेंट अगर प्रॉपर्टीज है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, तो हमारी जो एजिंग की प्रोसेस है उसे वो कम कर देता है, रोक देता है। कॉर्डिसेप का जो नेक्स्ट बेनिफिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमालय में
कॉर्डिसेप को एक्चुअली हिमालयन वाइगरा के नाम से जाना जाता है। तो मेल के जो जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, या लॉस ऑफ लिबिडो है, ऑलिगोस्पर्मिया है, मीन स्पर्म की क्वांटिटी कम हो जाना, इनफर्टिलिटी आ जाना, इन सारे प्रॉब्लम्स में कॉर्डिसेप एक वरदान की तरह, चमत्कार की तरह काम करता है। तो सारे मेंस में आप इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हो। देन बियॉन्ड वाइटैलिटी मीन्स ये कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी बहुत हेल्पफुल बताया गया है। इसमें एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट पाए गए हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स, कौन से ऐसे कंपाउंड्स कॉर्डिसेप्स में हैं जिसकी वजह से इतने सारे बेनिफिट्स हमें कॉर्डिसेप्स से मिलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है कॉर्डिसेपिन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो इससे क्या होता है, जो एंटी कैंसरस एजेंट मैंने बताया, ये कॉर्डिसेपिन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स है, तो ये कैंसर के पेशेंट पे बहुत अच्छा काम करते हैं। देन है एडिनोसाइन, जिसे हम एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज। इसका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में ज्यादा बढ़ाता है कॉर्डिसेप्स जो होता है। तो इससे क्या होता है, बॉडी में कहीं पे इंफ्लामेशन होगा या पेन होगा, तो हमारे बॉडी का पेन कम करने में, इंफ्लामेशन कम करने में हेल्पफुल होता है। एंड आपके हार्ट को या ओवरऑल हेल्थ को ये हेल्दी बनाने में या बॉडी की हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प करता है। बॉडी का जो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन है उसे बूस्ट करने का काम करता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन भी कॉर्डिसेप्स से अच्छा होता है। देन इसमें एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज बताई गई है। एडाप्टोजेंस मीन्स क्या होता है कि अगर आपको स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो, तो इस स्ट्रेस को कम करने का काम कॉर्डिसेप करता है, और आपको एनर्जेटिक रखने का काम कॉर्डिसेप करता है। इसमें जो नेचुरल कंपाउंड्स पाए गए हैं तो वो एंटी एजिंग का काम करते हैं, रेस्पायरेशन पे भी आपका अच्छा काम करते हैं, किडनी पे मीन्स ये आपके ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने का काम करता है। एफ्रोडिसियाक एलिमेंट्स पाए गए हैं, जैसे मैंने बताया कि इसे हिमालय वाइग्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये मेल्स के सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल बताया गया है।